नमस्ते सस्त्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह याद पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ लिंबी चिंचोली वार्ता के एक और बेहतरीन एपिसोड में। सोलापुर अक्कलकोट हाईवे जो आजकल सुर्खियों में बहुत ज्यादा आ रहा है, सोलापुर अक्कलकोट हाईवे जो है बहुत ही बेहतरीन हाईवे जो है बन चुका है। आज सोलापुर से लेकर अक्कलकोट तक जो है विद इन हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के अंदर जो है सोलापुर जा सकते हैं। लेकिन यही तेजी जो है इस रास्ते पर चलने वाले गाड़ियों के लिए जो है आज एक शाप की तरह काम कर रही है। आज जो है फिर एक बार जो है इस हाईवे के ऊपर जो है एक्सीडेंट हो चुका है। सोलापुर अक्कलकोट हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट में जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। हर एक हफ्ते में जो है एक नया एक्सीडेंट जो है सोलापुर अक्कलकोट हाईवे पर हो रहा है। तो आज भी जो है सुबह में जो है एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट जो है यहाँ पर सोलापुर अक्कलकोट हाईवे पर हुआ है। बताया जाता है यहाँ के जो लोकल शॉप ओनर्स है जो यहाँ पर दुकान है आसपास में, तो दुकानदारों ने जो है मुझे फोन लगाकर बुलाया कि बादशाह भाई यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो चुका है। तो रात में जो है एक बड़ी सीमेंट की गाड़ी जो सीमेंट लेकर जा रही थी वो जो है सीधे यहाँ से जो है उतार पर जो उधर से आकर इधर नीचे चली गई है। तो ये बहुत ही भीषण अपघात जो है होते हुए यहाँ पर रुका है। अगर थोड़ा भी जल्दी अगर टर्न किया होता तो वहां पर जो घर दिख रहा है आपको वो घर के अंदर गाड़ी घुसी होती और वहां पर जो है जीवित हानि होने के चांसेस थे। लेकिन ऊपर वाले का फजल हुआ, भगवान की जो है कृपा हुई और वो गाड़ी जो है वहां पर नहीं जाते हुए सीधे इधर आई और यहाँ से जो है नीचे उतर गई। आपको जो है साइड में वीडियो दिख रहा होगा जिसमें जो है आपको पूरा गाड़ी निकालते हुए कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी बुलडोजर को, वो आपको दिख रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा भयानक जो है एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। पूरी तरीके से गाड़ी जो है बहुत तेजी से आ रही थी, सोलापुर से अक्कलकोट की ओर जा रही थी वो गाड़ी, तो बहुत ही तेजी से आकर जो है गाड़ी सीधे इधर नीचे उतर पर से नीचे उतर गई है और बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होने से बच गया है और कोई भी जीवित हानि जो है नहीं हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग सोलापुर अक्कलकोट हाईवे इस्तेमाल कर रहे हैं भाई लोग, आप देर से जाए तो चलेगा लेकिन गड़बड़ मत कीजिए। मेरा कहना यही है कि आप गड़बड़ मत कीजिए क्योंकि अति घाई संकटात नहीं हर जगह पर जो है रोड पर लिखा गया है। आप जल्दी मत कीजिए, आराम से गाड़ी चलाइए, तेज चलाइए लेकिन आराम से चलाइए, पूरे होशो हवास में चलाइए। अगर आपको आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो आप गाड़ी मत चलाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा आराम कीजिए। क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है नींद की वजह से जो है उसके हाथ से ये हादसा हुआ है, अगर उसने थोड़ी बहुत भी अच्छी नींद ली होती तो ये हादसा नहीं हुआ होता। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ ट्रक ड्राइवर से भी और जो भी बड़े बड़े हैवी व्हीकल चलाते हैं कि भाई लोग अगर आपको कोई बीमारी होगी आपको या फिर आपको नींद आती होगी तो गाड़ी एक तरफ रुका कर जो है नींद दो। गाड़ी देर से पहुंचेगी तो चलेगा लेकिन नुकसान जो है आपका जान का भी नुकसान होगा, माल का भी नुकसान होगा। तो मेरा कहना यही है कि गाड़ी जो है चलाते वक्त पूरे होश हवास में चलाइए, आराम से चलाइए, गड़बड़ मत कीजिए। तो ये रिपोर्ट जो है आपके लिए लिखी थी बादशाह रियाज पाटिल ने और कैमरामैन है हमारे जहीर पाटिल साहब। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपने इस न्यूज रिपोर्ट को देखा, इसलिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर आपको ये न्यूज रिपोर्ट पसंद आई है तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताओ और जाने से पहले ऐसी न्यूज रिपोर्ट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से किसी नए एपिसोड में, किसी नए वीडियो में, किसी नए न्यूज में। जय हिंद।